नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूले, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मजेदार कहानी है, बड़ी ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को पूरा सुने। जो लोग आधी अधूरी कहानी सुनकर के छोड़ देते हैं और बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि कहानी का सार नहीं मिला, प्रिय दर्शकों, जब तक आप कहानी पूरी नहीं सुनोगे तब तक आपको कहानी का सार कैसे समझ में आएगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है वो बड़ी मजेदार कहानी है। एक कहावत आपने हमेशा सुनी होगी कि कर भला तो हो भला, यानी करने का फल हर इंसान को भुगतना पड़ता है, जो जैसा करता है उसको वैसा भरना भी पड़ता है। प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक नगर में एक बहुत सुंदर हाथी रहता था। वो हाथी रोज भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए जाया करता था। उस हाथी का रोज का ये नियम था कि वो रोज भगवान के मंदिर जाए और भगवान की पूजा आराधना करे। वो रोज अपना इस नियम को नहीं छोड़ता था। प्रिय दर्शकों, हाथी का आने जाने का जो रास्ता था वो बाजार से होकर आया करता था। बाजार के सभी दुकानदार उस हाथी से बड़ा प्रेम करते थे। सब्जी वाला उसको सब्जी खिलाता, फल फ्रूट वाला फल खिलाता, सब्जी वाला सब्जी खिलाता, मिठाई वाला मिठाई खिलाता, यानी कि हर कोई व्यक्ति कुछ न कुछ उस हाथी को जरूर खिलाया करता था और वो हाथी उन सबको आशीर्वाद दिया करता था। प्रिय दर्शकों, बड़ा समझदार हाथी था, कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो हाथी अपनी मस्ती में मस्त रहता, जो उसको प्यार करता हाथी उससे प्यार करता, जो लोग उसे प्यार नहीं करते तो हाथी उनसे कोई छेड़खानी नहीं करता। और हाथी रोज भगवान के मंदिर जाता और रोज भगवान की पूजा आराधना करता। प्रिय दर्शकों, उस बाजार में होकर जब वो हाथी निकलता था तो सभी दुकानदार बड़ा प्रेम करते थे। उस हाथी की पूजा आराधना भी कई लोग किया करते थे। तो हाथी सभी से बहुत प्रेम करता था और सबको बड़ा आशीर्वाद भी देता था। इसी तरीके से हाथी का समय चलता गया। उस बाजार में एक फूल वाला था और एक मिठाई वाला था। खासकर ये दोनों लोग जब हाथी भगवान के मंदिर में जाने के लिए आता था तो फूल वाला हाथी की सूंड में फूलों की माला टांग दिया करता था और हाथी भगवान के मंदिर में ले जाकर के वो माला चढ़ा देता था। उधर मिठाई वाला हाथी की सूंड में मिठाई पन्नी में बांध करके और हाथी की सूंड पे बांध दिया करता था। उधर हाथी मिठाइयों को ले जाकर के और भगवान के मंदिर में चढ़ा देता था। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से सभी दुकानदार अपने अपने श्रद्धा अनुसार हाथी के द्वारा भगवान के मंदिर में पूजा का सामान भिजवाते थे, हाथी की सूंड में बांध करके लटका देते थे और हाथी ले जाकर के भगवान के मंदिर में चढ़ा देता था। इसी तरीके से हाथी का पूजा पाठ का सिलसिला अच्छा चल रहा था, ईश्वर की अच्छी कृपा थी। एक दिन की बात है कि फूल वाला जो बंदा है वो सोचता है कि क्यों न मैं इस हाथी के साथ थोड़ा हंसी मजाक करूं। प्रिय दर्शकों, दूसरे दिन जब हाथी सुबह के वक्त भगवान के मंदिर जाने के लिए उस बाजार में होकर गुजरता है तो जैसे ही हाथी उस फूल वाले की दुकान पे जाता है तो फूल वाला हाथी की सूंड में माला टांकने की जगह हाथी की सूंड में सुई चुबो देता है। जैसे हाथी की सूंड में सुई को चुबोता है तो हाथी को बड़ा दर्द होता है, खून निकलने लगता है, हाथी को बड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन उस वक्त हाथी मौन रहता है। हाथी सोचने लगता है हो सकता है गलती से कोई गलती हो गई होगी। प्रिय दर्शकों, हाथी उस दुकानदार से माला न लेकर के आगे निकल जाता है। आगे जाकर के अन्य दुकानदार जो सामग्री देते हैं उनको लेकर के भगवान के मंदिर में पहुंच जाता है और भगवान के मंदिर में जाकर के अपनी पूजा पाठ करता है और पूजा पाठ करने के बाद फिर से लौट आता है। दूसरे दिन फिर से हाथी का वही रास्ता था और वही दुकान पड़ती थी। हाथी उसी रास्ते से आ रहा था। सभी दुकानदार अपनी अपनी सामग्री हाथी की सूंड में बांध रहे थे। जब हाथी फूल वाले की दुकान पे आता है
तो उस दिन फूल वाला फूल की माला हाथी की सूंड में टांक देता है। प्रिय दर्शकों, हाथी सभी सामग्री को ले जाकर के भगवान के मंदिर में अर्पित करता है और अपना नित्य नियम पाठ पूजा पूरा करता है। तीसरे रोज का जब समय होता है तब हाथी फिर से उसी बाजार से आता है और सभी दुकानदार अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से हाथी की सूंड में अपनी अपनी पूजा पाठ की सामग्री प्रसादी हाथी की सूंड में बांध देते हैं और हाथी लेता हुआ चलता आता है। अब जैसे हाथी उस फूल वाले की दुकान पर आता है तो वह फूल वाला फिर से हाथी की सूंड में सुई चुभो देता है। प्रिय दर्शकों, यह देखकर हाथी बड़ा दुखी होता है और हाथी अब सोचने लगा कि चला कि यह मुझे घायल करना चाहता है। हाथी को यह पता चल चुका था कि यह फूल वाला जो बंदा है यह जानबूझकर मुझे घायल करना चाहता है। हाथी समझ चुका था उस फूल वाले की मंशा को। प्रिय दर्शकों, उस दिन फूल वाले ने जोरदार सुई चुभोई थी, काफी अंदर तक सुई चली गई थी। वह हाथी की सूंड से काफी मात्रा में खून बहने लगा। हाथी वहीं पर बैठ गया। काफी देर हाथी बैठा रहा और हाथी की सूंड से काफी खून बहता रहा। उस दिन हाथी भगवान के मंदिर भी नहीं जा सका और वहीं पे बैठा रहा। हाथी सोचने लगा कि इस बंदे का मैंने ऐसे क्या बिगाड़ा है जो इसने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। अब हाथी को धीरे धीरे गुस्सा चढ़ने लगा। दर्शकों, उस रोज हाथी मंदिर भी नहीं जा सका और वहीं पे बैठा रहा। अब हाथी को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। हाथी सोचने लगा कि क्यों ने इस व्यक्ति को बैठा बैठा हाथी सोचने लगा कि क्यों ने इस व्यक्ति को इसकी करनी का फल दिया जाए, इसकी करनी का इसको दंड दिया जाए। यही सोचकर हाथी पास में गंदे पानी का तालाब था, वहां हाथी जाता है और अपनी सूंड में कचड़ा मिट्टी भर करके वापिस आता है और उस फूल वाले की दुकान पे और उस फूल वाले की दुकान में सारा कचरा वाला पानी फेंका देता है। प्रिय दर्शकों, उस दुकान वाले के सारे फूल खराब हो जाते हैं, कचड़ा मिट्टी उसमें भर जाती है और फिर हाथी सोचता है किसको अभी तो और दंड दिया जाए। हाथी उस दुकानदार की सारी दुकानदार को दहस नहस कर देता है। प्रिय दर्शकों, अब वो व्यक्ति पछताने लगता है, हाथी के पांव में गिर जाता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन हाथी कहां रुकने वाला था। कहते हैं कि आगे से कुछ करो मत और पीछे से कसर छोड़ो मत, वही हाल उस दुकानदार के साथ हो रहा है। हाथी रोज भगवान के मंदिर जाने के लिए आता और उसकी दुकान को दहस नहस कर जाता। प्रिय दर्शकों, इसलिए कहते हैं कि करने का फल हमेशा भुगतना पड़ता है। कभी भी ऐसा मत करो जिससे आपको भविष्य में पछताना पड़े और आपको उसका भारी मूल्य चुकाना पड़े। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी और इस कहानी से आप प्रेरणा भी लेंगे। कभी आप किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, कभी भी ऐसा किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमें यही दर्शाती है कि कभी भी किसी के साथ गलत मत करो, चाहे वो जुबान वाला हो या बेजुबान। कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत हो सकता है और ये निश्चित है कि हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी निश्चय ही गलत होगा। ये प्रकृति का नियम है, इसलिए कभी भी किसी के साथ गलत मत करो। जी नमस्कार, धन्यवाद।